TDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. कमाल चौक के आश्रय ज्वेलर्स में मिलावटी चेन के बदले खरे सोने के जेवरात लेकर ज्वेलरों को टोपी पहनाने वाली तीन महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह महिलाएं भारी मात्रा में नकली जेवर को बखूबी सोने की तरह ढालकर ज्वेलरों को भी चकमा दे दिया करती थी। जानकारी के मुताबिक कमाल चौक स्थित आश्रय ज्वेलर्स में तीन महिलाएं पहुंची, जिन्होंने 25 ग्राम की सोने की चेन ज्वेलर को दी और उसके बदले में एक मंगलसूत्र लिया था। दूसरे दिन इसी दुकान में उन महिलाओं में से एक महिला पहुंचती है और एक चेन सुनार को देती है। जब चेन की पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि मामला कुछ गड़बड़ है। ज्वेलर्स को उसी वक्त ज्ञात होता है कि इस महिला की फोटो द्वारा धोखाधड़ी के मामले में पुष्टि हुई है। तुरंत ज्वेलर्स महिला की जानकारी पुलिस को देते हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और महिला को अपने साथ गिरफ्तार कर ले जाती है। पूछताछ करने पर पता चला है कि महिलाओं द्वारा जो ज्वेलरी दी जाती थी उस पर काफी बड़े पैमाने पर नकली पॉलिश की जाती थी, जिसकी वजह से ज्वेलर्स धोखा खा जाया करते थे और इस चेन के बदले में वह खरे सोने की कोई अन्य सेवा ले लिया करते थे। इसलिए यह लोग ज्वेलर्स को अपने जाल में फंसा कर उनके साथ धोखाधड़ी किया करते थे। पुलिस ने दो महिलाओं को भी हिरासत में ले लिया है और उनसे भी जारी है पूछताछ। पुलिस द्वारा आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे कोई बड़ा गैंग सक्रिय हो सकता है। पाचपावली पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत कमाल चौक येथील आश्रय ज्वेलर्समध्ये तीन महिला आल्या होत्या। त्यांनी अगोदरच्या दिवशी 25 ग्रॅमची एक सोन्याची चेन एक्सचेंज करून घेतो म्हणून ज्वेलर्सला दिली। ज्वेलर्सनी त्या चेनच्या बदल्यात त्यांना एक मंगळसूत्र आणि एक टॉप दिलं आणि त्या घेऊन त्या निघून गेल्या आणि त्यातीलच एक महिला दुसऱ्या दिवशी परत आश्रय ज्वेलर्समध्ये पुन्हा एक चेन घेऊन आली। तर ती अगोदरची दिलेली चेन ही बनावट असल्याचे ज्वेलर्सच्या लक्षात आले आणि त्यांच्या ज्वेलर्स असोसिएशनच्या ग्रुपवर त्या महिलांचे फोटो व्हायरल झाल्याने त्या ज्वेलर्सनी पोलिसांना तात्काळ संपर्क केला। पोलिसांनी सदर महिलेस अटक केली असून सदर महिला ही वाराणसी उत्तर प्रदेशची आहे। तिचे नाव अनुराधा रमेश सिंग असून तिच्यासोबत दोन महिला होत्या 50 वर्ष वयाच्या, पूनम सिंग आणि कौशल्या पांडे। आणि अशाच प्रकारे आणखी ज्वेलर्सला फसवल्याची शक्यता आहे। सदरबाबत तपास चालू आहे। एका महिला आरोपीला अटक केलेल्या आहे। दोन आरोपींचा शोध घेणे चालू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सनसारी BCN न्यूज नागपूर। What are you waiting for? Enroll for aptitude and scholarship tests and get a scholarship up to 90% on 2-year JEE NEET fees. For registration and details, call